अनूपपुर जिले के भारतीय मजदूर संघ ने प्रधानमंत्री की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके तहत भारतीय मजदूर संघ ने 18 सूत्री मांगों को लेकर प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने निजीकरण का विरोध किया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया और कलेक्टर को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उक्त ज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण, सामान्य कार्य समान वेतन की मांग करते हुए 18 मांगे रखी है। श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, उसके खिलाफ हमारा ऑल इंडिया स्तर का कार्यक्रम चल रहा है। सभी जगह हम लोग चेतावनी दिवस के रूप में मना रहे हैं। अभी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को खत्म करने की योजना बना रही है, हम लोग उसके खिलाफ टोटल जितने पब्लिक सेक्टर भारत के हैं सब एकजुट होकर के सभी जिला मुख्यालय में आज हम लोग प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से सौंप रहे हैं। ये हमारा कार्यक्रम है, उसमें हमारा 18 सूत्रीय हमारा डिमांड है। कि कुछ 18 सूत्री मांगे हैं वो नए शासन को मांगेंगे। अब चूँकि अभी संज्ञान में बात आई है तो नगर पालिका से पता करके अगर समस्या हो वेतन की उसको। सर कोई जेएसआर टाइम्स के लिए अनूपपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट।